नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके कक्षा में स्पर्श पुस्तक से गद्य खंड के धूल भाग का सारांश बताने जा रहा हूँ। पूर्व वीडियो में हमने जितने भी पढ़े उनके जो मूल भाग है उनको हम जानेंगे। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा, अर्थात यदि जीवन में हम अपने सम्मान की आशा करते हैं, कल्पना करते हैं, तो दूसरे व्यक्तियों का भी हमको सम्मान करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। धूल भाग चार, रामविलास शर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में हमने आपको बताया था। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं। तो धूल के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। रामविलास शर्मा जी ने धूल की महिमा, धूल की महात्मा, उपलब्धता और उपयोगिता का वर्णन इन बिंदुओं के आधार पर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं वह धूल में खेलते हैं, आनंद लेते हैं और अपने बचपन को एक यादगार के रूप में बनाते हैं। बाल कृष्ण के मुख पर छाई गोदली के समक्ष सभी प्रसाधन सामग्री तुच्छ है। जो कृष्ण है उनकी कल्पना करते हुए उनके मुंह पर शाम के समय में जो उड़ने वाले धूल है, जो गायें चलती है तो उड़ती धूल है, वो यदि चेहरे पर लग जाते हैं कृष्ण जी के, तो उनका भी वर्णन करते हुए लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हमारी वर्तमान सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। आज की जो हमारी वर्तमान सभ्यता है, ये धूल भरे जिंदगी, धूल धक्कड़ से उनके संपर्क में आना ही नहीं चाहती। आज की जो सभ्यता है वह अनेक रंग में रंगे लोग शिशु को धूल में खेलने से रोकते हैं, अर्थात जहाँ पर जन्म हुआ मनुष्य का उन्हीं का सम्मान करने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करते, ऐसा लेखक कहते हैं। आगे बताते हुए लेखक कहते हैं कि अखाड़े की जो मिट्टी होती है जवानी का सिंगार है, अर्थात युवा अवस्था में अखाड़ा खेलकर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए अखाड़े खेलने का जो स्थान है वह भी तो धूल मिट्टी से ही बना हुआ है। इस मिट्टी को तेल और मट्ठे से अच्छे ढंग से सिझोते हैं। ये जो मिट्टी होती है देवता पर चढ़ाते हैं। कभी कभी कहा भी जाता है गाँव में शीतला माता होती है, अगर गलवा रोग हो जाता है, गाल सूज जाते हैं तो उस मिट्टी को भी ला के सजाते हैं जो धूल से बने होते हैं। तो ये महिमा है मिट्टी की, धूल की। इस मिट्टी के स्पर्श से मांसपेशियां फूल उठती है, अर्थात धूल में जब अखाड़े का कोई खिलाड़ी खेलता है तो उनकी मांसपेशियां जो है वो ताकत से भर जाती है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि धूल और मिट्टी में इतना अंतर है जितना शब्द और रस में। शब्द और रस, जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें अनेक रस समाहित होते हैं। जो शब्द है उसको संजो के रस के माध्यम से हम परिमार्जित करते हैं। देह और प्राण में, शरीर और प्राण का संबंध जिस प्रकार है, जब तक प्राण है तब तक शरीर का महत्व है ना। चांद और चांदनी का संबंध इस प्रकार से धूल और मिट्टी का संबंध है, क्योंकि बिना धूल के मिट्टी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि हीरे और कांच में भी अंतर होता है। दोनों में चमक होती है मगर हीरा का अपना ही महत्व है। कांच की चमक हमें आकर्षित करती है परंतु हीरे अमर और अटूट होते हैं। कांच तो कई सारे मिलते हैं, उनमें भी चमक होती है मगर हम उनमें उतने आकर्षित नहीं होते जितने कि हीरे में होते हैं, वो तो बहुमूल्य होते हैं। लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएँ अलग अलग ढंग से हैं। इनके रूप भले ही अलग अलग हो मगर सबका रंग तो एक ही है, और कौन सा रंग है, वह धूल का रंग है, मिट्टी का रंग है ना, मनमोहक मिट्टी का रंग है। आप देखे भी होंगे और अनुभव भी किए होंगे कि कितनी
मनमोहक होती है। ये मिट्टी के जो गंध होते हैं, जब बारिश हो और मिट्टी में, सूखे मिट्टी में पड़ जाए पानी, बारिश की बूंदें, तो बहुत ही सुगंध देने वाली होती है। और ये मिट्टी बनी है किससे? धूल से। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब तो मिट्टी से ही बना हुआ है ना? कितनी सुंदरता देती है यह मिट्टी। फूल हम जो देखते हैं वो मिट्टी की ही उपज है। रस, अब हम चाहे शहद लें या अन्य रसों को लें, ये सब तो मिट्टी में ही उपजने वाले जो पदार्थ हैं उनसे मिलती है ना? इस प्रकार से जितने भी हमको सौंदर्य से लेकर अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त होती है और मिट्टी में ही उपजती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह मिट्टी। धूल ग्रामीण सभ्यता का अंश है, ग्रामीण जनजीवन से जुड़ा हुआ धूल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गोधली गांव की अपनी संपत्ति होती है जिस पर अनेक कवियों ने अपनी कलम तोड़ी है। गोधली अर्थात जो संध्या के समय में जब गायें गौठान से कहाँ आती है, घर की ओर आती है, तो जो उड़ती धूल है वह गोधली वेला कहलाती है। और इन पर अनेक सारे कवि और लेखकों ने अपनी अपनी कविताएं और रचनाएं लिख डाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धूल के संपर्क में जो हम नहीं आना चाहते, उस पे अनेक कवियों ने अपनी अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं और लेख लिखे हैं। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कोई साधन ही नहीं है। अर्थात हम जब मातृभूमि की चरण स्पर्श करते हैं तो उसमें श्रद्धा दिखाते हैं, मिट्टी की वंदन करते हैं, मिट्टी के लिए भक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये जो धूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा लेखक रामविलास शर्मा जी अनेक बिंदुओं के माध्यम से धूल की महिमा का वर्णन करते हैं। एक सारांश के रूप में आपको सारगर्भित शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पाठ है रामविलास शर्मा द्वारा रचित है, और धूल जैसे सामान्य प्रतीत होने वाले जो तत्व है उनका वर्णन उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से उदाहरण, लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से किया है। कुछ कुछ यहाँ पर देश शब्दों का भी प्रयोग लेखक ने करने का प्रयास किया। कीमती हीरे की चमक भी धूल के आवरण के नीचे छिपी होती है। अर्थात हीरे की जो चमक है वो धूल के आवरण के नीचे ही होती है। धूल के बिना एक शिशु है उनकी कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात शिशु जो बालक है वो धूल से खेले, धूल धूसरित हो तभी तो सुंदर दिखाई देता है। अपनी किशोरावस्था में पहलवानी के शौकीन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अखाड़ों और गांवों और शहरी जीवन की सुंदर झांकी इस पाठ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लेखक के अनुसार जीवन के सार तत्व तो धूल में ही समाया हुआ है, क्योंकि सारे चीज की उपज धूल से बनकर मिट्टी और मिट्टी से अनाज की उत्पत्ति होती है। धूल का पवित्रम रूप गोधली है, जो गायें होती है उनसे उड़कर सुंदर बनाती है। सती भी धूल को माथे से लगाते हैं, योद्धा भी धूल को आंखों से लगाकर देशभक्ति और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। नीच को धूली वेद वाक्य नहीं है, धूल में ही हमारी संस्कृति के रंग छिपे हुए हैं। कांच आंखों को आकर्षित करते हैं परंतु हथौड़ों की चोट से बिखर जाते हैं, मगर धूल से आवृत होने के कारण हीरे की चमक हमको आंखों से आकर्षित नहीं करती परंतु हथौड़े की चोट से न टूटकर अटूट होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अर्थात वह टूटकर भी अपने ही रूप में प्रस्तुत होते हैं। बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना? अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। आशा स्पष्ट करना है हमारी देशभक्ति। धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। दूसरा, अखाड़े की मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको लिखना है। तीसरा, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन से जो चित्र हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, इस बारे में पाठ के आधार पे वर्णन करेंगे। आशा करता हूँ कि यह जो पाठ है वह बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने धूल के महत्व के बारे में भी जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो